भोपाल से बड़ी खबर, जहां आशीष अग्रवाल बीजेपी मीडिया प्रभारी बनाया गया है। लोकेंद्र पाराशर को प्रदेश मंत्री बना दिया गया है। ललिता यादव को प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी अब सौंपी गई है। यह महत्वपूर्ण और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भोपाल से आशीष अग्रवाल बीजेपी मीडिया प्रभारी बनाए गए हैं। लोकेंद्र पाराशर, जिन्हें प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी अब सौंपी गई है, और इसके साथ ही प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी ललिता यादव संभालेंगी। तो सूची भी जारी कर दी गई है सह मीडिया प्रभारी और प्रवक्ताओं की। पार्टी की ओर से लोकेंद्र पाराशर को प्रदेश मंत्री का दायित्व सौंपा गया है। ललिता यादव प्रदेश उपाध्यक्ष बनाई गई है। न्यूज रूम से हमारे साथ इस वक्त एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मनोज जी, नई जिम्मेदारियां युवाओं को सौंपी गई है पार्टी की ओर से। देखिए, आशीष अग्रवाल लगातार भारतीय जनता पार्टी के एक अच्छे मुखर प्रवक्ता है, और शायद उसी का प्रतिसाद उनको मिला है कि युवा पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने ये कहा जाए कि उनको जिम्मेदारी दी है और विश्वास जताया है। ऐसे दौर में जब 2023 और 24 के चुनाव सामने हैं, ऐसे में मीडिया प्रभारी की भूमिका, जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है, और एक युवा पर विश्वास जताना ये बताता है कि बीजेपी इस लाइन पर बढ़ रही। लोकेंद्र पाराशर, जिनका आप जिक्र कर रहे थे, सबसे लंबा समय उनका रहा बतौर मीडिया प्रभारी मध्यप्रदेश के रूप में, अब वो प्रदेश मंत्री होंगे भारतीय जनता पार्टी के संगठन में। ललिता यादव को उपाध्यक्ष बनाया गया। लेकिन जहाँ तक आशीष अग्रवाल की बात करें, तो वो मूलतः ग्वालियर के रहने वाले हैं और लगातार अपनी पार्टी के कामों को, बातों को आगे बढ़ाने में बहुत ही अलग तरह की उन्होंने पहचान बनाई थी बहुत कम समय में, और इसीलिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है। साथ ही ये भी कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया को लेकर जो लगातार मुरलीधर राव हो या तमाम वरिष्ठ नेता जो कहते रहते हैं, उस पर भी उन्होंने बहुत बेहतर काम किया है। कई बार उसमें शाबाशी भी मिली है, और शायद इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी के सबसे कम उम्र के युवा को मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई। आशीष अग्रवाल एक MBA किए हुए छात्र रहे हैं और बहुत अच्छी उनकी एक पकड़ भी रही है, और इसीलिए एक युवा के पास अब जिम्मेदारी होगी 2023-24 से मीडिया प्रभारी मध्य प्रदेश की। बिल्कुल निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। मनोज जी, फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। लेकिन देखिए, आशीष अग्रवाल जो बीजेपी मीडिया प्रभारी बनाए गए हैं, लोकेंद्र पाराशर अब प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी संभालेंगे, और ललिता यादव को प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 2023 विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव, ऐसे में मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जिम्मेदारी सौंपी गई है एक युवा चेहरे को, लोकेंद्र पाराशर, जिन्हें प्रदेश मंत्री बनाया गया है, इन्हें भी नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, और ललिता यादव को उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो पार्टी की ओर से सह मीडिया प्रभारी और प्रवक्ताओं की लिस्ट अब जारी कर दी गई है।